अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अशोक, राजनाथ सिंह आपसे कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंच गई हैं, इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की वहां पर मौजूदगी है। दो तीन ऐसे नाम हैं यहां पर अशोक, जिनको लेकर संशय था, लेकिन अब क्योंकि वो वहां प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं, इसलिए अब स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि उन्हें मंत्री पद मिल रहा है। बिल्कुल, निर्मला सीतारमण के नाम को लेकर चल रहा था कि शायद वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, उनका पोर्टफोलियो वो नहीं रहेगा। और जयशंकर, ये तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, इसीलिए उनको बुलाया गया है। उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ चाय पे, अक्सर कहा जाता है कि चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री ने, तो ठीक है। मैं रोकूंगी आपके पास, आपको इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सांसद हर्ष मल्होत्रा को लेकर है, जो कि पीएम आवास पहुंच गए हैं। दिल्ली से ये पहला नाम सामने आया है जिन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। हर्ष मल्होत्रा का नाम सामने आया है, इन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। ये पीएम आवास पहुंचे हैं इस मीटिंग के लिए। 11:30 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होनी थी मंत्री पद के लिए। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहला नाम दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा का, और कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं दिल्ली से? 7 में से 7 सीटें यहां पर आई हैं। देखिए, मुझे लगता है एक ही नाम होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो है दोनों बार 14 और 19 में 7 में से 7 सीटें जीती हैं, और 2021 तक जो है हर्षवर्धन यहां से कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद मीनाक्षी लेखी को लाया गया। इस बार ईस्ट दिल्ली से जो है हर्ष मल्होत्रा जो जीत कर आए हैं, उनको यहां पर कैबिनेट में जगह मिल रही है। तो मुझे लगता है एक से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन सीआर पाटिल जो गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ा था, 156 सीटें जीती थी, वो भी अब कैबिनेट में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे वो चेहरे जिन्होंने संगठन के लिए काम किया, संगठन में परफॉर्म किया है, अब उनको सरकार में जगह दी जा रही है नेहा, और यही कारण है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको यहां जगह मिलेगी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल, इसके बाद अब सवाल ये बचता है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन होगा और बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 30 जून तक है, यानी कि अब भारतीय समय आ गया है इस कैबिनेट के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो मुझे लगता है जल्द ही इस पर आपको एक बड़ी खबर जो है अंजना का रुख कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड काडर होने वाला है ये पूरा का पूरा जो कुनबा अब सामने आ रहा है, इसमें परफॉर्मेंस होगा ही अंजना, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां भी होंगी, और उसमें सबसे पहला नाम आपने ललन सिंह का भी बताया, और भी कई नाम हैं जो इस वक्त मजबूरी के तहत लिए जाएंगे। बिल्कुल, और ललन सिंह तो वो नाम है नेहा जो कि बहुत दिलचस्प है। जब जेडीयू और बीजेपी का पुनर्मिलन हो रहा था तब ललन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी बीजेपी की, क्योंकि वो सबसे आक्रामक रहते थे जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, वो सीधा पीएम पर हमला करते थे, गृहमंत्री पर हमला करते थे, तो उनको अध्यक्ष पद से पहले हटाया गया ललन सिंह को। नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने जेडीयू के, उसके बाद जाकर ये मिलन हुआ था, पुनर्मिलन जो होता है। और उसके बाद अब देखिए कि आज स्थिति ऐसी है कि ललन सिंह के नाम पर, क्योंकि बहुत करीबी नीतीश कुमार के वो बताए जाते हैं, उनके नाम पर बाजी रख दी गई और उनको मंत्री बनाया जा रहा है, और शायद इसीलिए 1+1 पर ही जेडीयू मान भी गई है, जबकि 12 सांसद हैं बीजेपी के, बराबर सांसद उनके हैं इस बार बिहार में। दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर, जिसकी मैं चर्चा पहले भी कर रही थी, देखिए एक पिछड़ी जाति के बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हैं, उनके पिता कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर कई बार सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं पिछड़ी जातियों की, जो पूरी क्रांति बिहार में आई या लड़ाई हुई उसमें, और कर्पूरी ठाकुर के ही बेटे को रामनाथ ठाकुर को मंत्री चुना गया, हाल ही में भारत रत्न उन्हें दिया गया था, तो वो भी सांकेतिक तौर से पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ करने की एक मुहिम थी। देखिए, इसका फायदा जेडीयू को तो पूरा मिला है, क्योंकि जेडीयू के ही टिकट पर रामनाथ ठाकुर चुनावी मैदान में उतरते हैं और रामनाथ ठाकुर एक बार फिर से, लेकिन उनको एमओएस मिलेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ऐसे ही अगर आप टीडीपी से भी देखें तो येरन नायडू के बेटे को जगह मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है उसमें गठबंधन के साथियों को साथ लेना है, लेकिन एक दिलचस्प चीज यह है कि जीतन राम मांझी हो एक मंत्री वाले, जयंत चौधरी हो दो हैं हालांकि उनके, बागपत बिजनौर,
चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, पहली बार वो भी मंत्री बन रहे हैं और चिराग पासवान पर चर्चा करनी चाहिए। 41 साल उनकी उम्र है, देखिए जिस तरह के मौसम वैज्ञानिक वो साबित हुए हैं, शायद अपने पिता को भी अब फेल कर देंगे, क्योंकि उनके पिता इसलिए जाने जाते थे कि एक ही घर में वो लगातार कई दशकों तक रह पाए, तो उसकी वजह यह थी कि एनडीए की सरकार बने तो उधर, यूपीए की सरकार बने तो उधर, और वो हमेशा भाप लेते थे चुनाव के पहले कि कौन जीतेगा। और चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, अगर बीजेपी के साथ रामविलास पासवान गए, ये खुद उन्होंने, रामविलास जी ने जब वो जिंदा थे मुझे इंटरव्यू में कहा था कि ये चिराग का फैसला था कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए, और 2014 से प्री पोल अलायंस में वो रहे। रामविलास दो बार लगातार खुद मंत्री रहे बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, और अब बारी आई है चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान ने जो 100% का स्ट्राइक रेट 5 out of 5 बिहार में लाया है, उसका सिला उन्हें मिल रहा है। साथ ही चाचा को बुरी तरह से, मतलब चिराग को इग्नोर किया गया, चाचा को मंत्री बना दिया गया, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान टिके रहे, और शायद उसी का सिला उन्हें मिल रहा है कि वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो कई जो फर्स्ट टाइमर्स हैं मंत्री के तौर पर, और हर्ष जी की आपने बात की, तो हर्ष जी तो बीते दिन जो 100 सांसदों वाला हमने शो किया था वो वहां पर बैठे हुए थे, और दिल्ली से देखिए हमेशा एक कोई ना कोई होता है। चांदनी चौक की सीट जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन की एक वक्त पर थी, जो प्रवीण खंडेलवाल को मिली है, डॉक्टर हर्षवर्धन कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखिए तो मीनाक्षी लेखी को यहाँ पर एमओएस की जगह मिली, और अब हर्ष जी की बारी है। तो दिल्ली से, दिल्ली के कोटे से कोई एक न एक कहीं जगह पा ही लेता है, मुझे लगता है एक केला से ज्यादा यहां होता हुआ हम नहीं देखेंगे। लेकिन दिलचस्प होगा कि अभी जो अनौपचारिक बातचीत पीएम की हो रही होगी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए 2014 हो 19 हो, एक अलग बॉडी लैंग्वेज हुआ करता था, एक स्पष्ट बहुमत का जो बोलबाला था वो एकदम दिखता था व्यवहार में, और पीएम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ये पीएम की बहुत बड़ी पहल कहलाएगी प्रधानमंत्री और अमित शाह की, कि इस बार 2024 के चुनाव में वो बार, मतलब बावजूद इसके कि शुरू में तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखे कि हम अपने दम पर बहुमत लाएंगे, 370 पार जाएंगे, 370 हमने हटाया है, लेकिन उन्होंने प्री पोल अलायंस किया, एनडीए के पुराने साथियों को वो साथ लेकर आए, जेडीयू को लेकर आए, बहुत इसकी निंदा हुई कि देखिए नीतीश कुमार ने अभी अभी क्या कहा था वहां विधानसभा में महिलाओं को लेकर, यह भी निंदा हुई कि आरजेडी के पास जाते हैं फिर आप पुचकार लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्री पोल अलायंसेस उनके लिए क्रूशियल साबित हुई है, उसमें आरएलडी भी है 2 की 2 100% स्ट्राइक रेट, जेडीयू तो है ही 12 सीटें जीत कर लाया है, टीडीपी उनके लिए क्रूशियल है क्योंकि न सिर्फ यहां पर उनकी सरकार अगर बन रही है तो ये 12 जेडीयू के और 16 टीडीपी के क्रूशियल है। इसी के साथ टिपरा मोथाओ, जो पुराने साथियों को एनडीए के वापस लाने का फैसला था, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सही दाव साबित हुआ है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बन रही है। नेहा,